ताइक्वांडो नेशनल प्रतियोगिता में हमीरपुर जिला के नौनिहाल खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाएंगे। नवंबर माह में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सब जूनियर प्रतियोगिता में गोल्ड हासिल करने के बाद 5 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्र स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे में होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में दमखम दिखाने की उम्मीद को लेकर आज हमीरपुर से खिलाड़ी रवाना हुए हैं। सब जूनियर नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हमीरपुर जिला के 3 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। ताइक्वांडो कोच सुशील ने बताया कि सब जूनियर नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में अगले सप्ताह होने वाली प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों में उत्साह है। उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि 5 खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिमाचल का नाम रोशन करेंगे। हमारी ये जो टीम है इनमें 2 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं जो कि इस वक्त ताइक्वांडो नेशनल के लिए जो कि सब जूनियर नेशनल है उसके लिए महाराष्ट्र के पुणे में जा रहे हैं। और ये जो सब जूनियर नेशनल ताइक्वांडो का होने जा रहा है ये ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में ये आयोजित होने जा रहा है। और ये जो आप बच्चे हमारे जो 2 लड़कियां और 4 लड़के हैं इन्होंने नवंबर माह में आयोजित हमारा जो हिमाचल प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा क्योंकि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी उसमें इन सब जूनियर लड़के लड़कियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया था जिसके बेस पे इनकी सिलेक्शन जो है वो नेशनल के लिए हुई थी। और इनमें एक लड़की है पलक शर्मा जिसने कि क्योरगी में भी और पुमसे में भी ये 2 तरह के इवेंट्स होते हैं। क्योरगी फाइट होती है और पुमसे जो होता है एक तरह का फॉर्म्स होता है एक तरह का अलग पैटर्न इसका रहता है। तो पलक ने पुमसे और क्योरगी में दोनों में गोल्ड मेडल जीता और ये हमीरपुर की अभी तक इकलौती लड़की है जो कि दोनों इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही है। और हमें उम्मीद है कि ये जो हमारे लड़कियां हैं और लड़के हैं जो कि हिमाचल की टीम का हिस्सा हैं ये आगे जाकर के भी अपना अच्छा दमखम दिखाएंगे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और वहां से उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई मेडल लेकर के आएंगे।